मित्रों, आज मैं एक पावस गीत सुनाने जा रहा हूँ। पावस कहते हैं वर्षा ऋतु को। ये ऋतु इतनी श्रृंगारिक होती है कि इसमें जड़ चेतन और कीट पतंग भी कामातुर होकर अपने जोड़े के प्रति आकृष्ट होने लगते हैं। तो एक गीत सुने। उमड़ी घुमड़ी बरसे बादरिया, पावस ऋतु आई, पावस ऋतु आई। बिहसी उठी उड़की फुलबरिया, पावस ऋतु आई, पावस ऋतु आई। उमड़ी घुमड़ी बरसे बादरिया, पावस ऋतु आई। कल्पना है कि इस ऋतु में इंद्रदेव जी अपने इंद्रधनुष पर रति और काम को बैठाकर पृथ्वी पर भेजते हैं, जिससे कि पूरा वातावरण कामातुर हो जाता है। कर पर धनुष सुरेश उठावे, कर पर धनुष सुरेश उठावे, मदन विभूषित तीर चलावे, कर पर धनुष सुरेश उठावे, मदन विभूषित तीर चलावे, रति और काम करे खिलवड़िया, पावस ऋतु आई, पावस ऋतु आई। उमड़ी घुमड़ी बरसे बादरिया, पावस ऋतु आई। जैसा कि मैंने कहा कि जड़ चेतन और कीट पतंग भी इस ऋतु में आनंदित होते हैं, और झींगुर अपने पैरों से अपने पंखों को रगड़ के आवाज़ उठाता है, और मेढक मेढकी भी आपस में बोल बोल के एक दूसरे वापस करते हैं। अगली पंक्ति में देखिए। पग पर रग रत ध्वनि उपजावे, पग पर रग रत ध्वनि उपजावे, झींगुर सब मिली वाद्य बजावे, ओ नाचे मोर गावे दादुरिया, पावस ऋतु आई, पावस ऋतु आई। उमड़ी घुमड़ी बरसे बादरिया, पावस ऋतु आई। और देखें, इस ऋतु में चेतन ही नहीं जड़ भी श्रृंगारिक होते हैं, और नदियां जो हैं वो सागर की ओर भागती हैं मर्यादा छोड़ करके, क्योंकि पति जो है वो पत्नी की तरफ आकृष्ट होता है, लेकिन यहाँ उल्टा ही होता है कि नदी सागर की तरफ जाती है। देखें, सरिता सागर के ढिंग जावे, सरिता सागर के ढिंग जावे, छाड़ी सकोच मिलन को धावे, छाड़ी संकोच मिलन को धावे, और बही के नाव गहे पतवरिया, पावस ऋतु आई, पावस ऋतु आई। उमड़ी घुमड़ी बरसे बादरिया, पावस ऋतु आई। और देखिए, कमल फूल जो है वो दिन में खिलता है,
और जैसे ही सूरज डूबता है, अस्त होता है, तो ये सिकुड़ जाता है। लेकिन भ्रमर जो है, भौरा, वो उस पर इतना आसक्त हो जाता है और रस पीता रहता है कि उसको मालूम ही नहीं पड़ता कि कब ये बंद होने वाला है। वो बेचारा बंद हो जाता है, रात भर उसी में रह जाता है, फिर दूसरे दिन जब फिर से कमल खिलता है तब निकल के भागता है। देखिए कि भ्रमर कमल पर जा मंडरावे, भ्रमर कमल पर जा मंडरावे, और रस में मगन ध्यान बिसरावे, रस में मगन ध्यान बिसरावे, और रविनिक से तब खुले कवरिया, रविनिक से तब खुले किवरिया, पावस ऋतु आई, पावस ऋतु आई, उमड़ी घुमड़ी बरसे बादरिया, पावस ऋतु आई। इस मौसम में यदि पति पत्नी आपस में दूर हैं, तो जो दूर हैं वो बेचारी बहुत ही विरहन, बहुत ही कष्ट में रहती हैं, और जो पति के साथ में हैं वो आनंदित होती हैं। इस अगले आखिरी बंद में देखें कि झूले रूठे लिपटे कामिनी, झूले रूठे लिपटे कामिनी, पति संग केली करें सौभागिनी, पति संग केली करें सौभागिनी, और रोवें विरहन बिन सांवरिया, रोवें विरहन बिन सांवरिया, पावस ऋतु आई, पावस ऋतु आई, उमड़ी घुमड़ी बरसे बादरिया, पावस ऋतु आई, पावस ऋतु आई, विहसी उठी उर्की फुरवरिया, पावस ऋतु आई, पावस ऋतु आई, उमड़ी घुमड़ी बरसे बादरिया, पावस ऋतु आई, पावस ऋतु आई। धन्यवाद।